फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज अपन क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं शिरकुरमा, वो भी एकदम अलग तरीके से, थोड़ा सा न्यू स्टाइल में। तो आज हम ये बनाने वाले हैं शिरकुरमा ईद स्पेशल रेसिपी। हाँ। तो भाई अभी ईद को ज्यादा दिन बचे नहीं है, 4 या 5 दिन के बाद ही ईद है। तो भाई स्ट्रीट फूड जायका की तरफ से आप सभी लोगों को एडवांस में ईद मुबारक। और वैसे तो हमने शिरकुरमा बहुत अलग अलग तरीके से बनाया है, आज हमने कुछ अलग तरीके से इजी सिंपल तरीका है ना। हाँ, और सस्ता लो में बन जाएगा। हाँ, तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि आज हमने शिरकुरमा बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम दूध, सेवई, शक्कर, काजू, पिस्ता, चारोली, बादाम, सूखा खोपरा, सूखा खजूर, कस्टर्ड पाउडर, मिल्क पाउडर, इलायची पाउडर, मगज और घी। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्ला करके। तो यहाँ पर मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई रख दी हूँ, इससे हमारा शिरकुरमा जलेगा नहीं। कभी भी मोटे तले का बर्तन ले लेना। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब हम डालेंगे इसमें दूध। पानी डालने से भी दूध नीचे से जलता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ मैंने 1 लीटर भैंस का दूध ली हूँ, ठीक है। अब हम इसको उबलने देंगे। तो यहाँ पे दूध अच्छे से बॉईल हो गया है हमारा। अब क्या करेंगे हम, इसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर यहाँ पर मैंने 1 वाटी ली हूँ, मेरे हिसाब से हमारे घर में जितना मीठा खाते हैं, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी शक्कर पिघले तक हम क्या करेंगे, यहाँ हमने 1/2 वाटी दूध ले लिए है। अब हम डालेंगे इसमें ये 2 चम्मच मिल्क पाउडर, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर। इसी में हम डाल देंगे इलायची पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कस्टर्ड पाउडर, मिल्क पाउडर और इलायची पाउडर तीनों भी मिक्स कर ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देख लेंगे हमारी शक्कर अगर अच्छे से घुल गई होंगी तो इसमें ऐड कर देंगे, है ना। शक्कर हमारी अच्छे से घुल चुकी है, अब इसमें हम ये ऐड करेंगे, हिलाते जाएंगे, डालते जाएंगे। यहाँ पे हमको इलायची का फ्लेवर भी मिल गया और पीला ज़ाफ़रान का कलर भी मिल गया, ठीक है ना। और ये क्रीमी क्रीमी भी हो जाएगी माशाल्लाह। अब इसको 1 बॉयल या 2 बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पे 1 से 2 बॉयल आ गया है, और यहाँ पे देखो कितना ठीक हो गया है मेरा दूध माशाल्लाह। अब ये और पकते पकते गाढ़ा हो जाएगा, सेवइयाँ तैयार होए तक, है ना। तो अब क्या करूँगी मैं, यहाँ पे गैस स्लो करेंगे और कढ़ाई को उतार के साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटा गैस चालू कर दी हूँ। अब ये स्लो यहाँ पकते रहेगा, और इसके अंदर मैं ये जो खजूर भिगाई थी ये भी ऐड कर दूँगी। आपको कट करके डालना है तो आप कट करके डालना, मैं अक्के खजूर डाल रही हूँ। अब हम इसको छोड़ देंगे इसी तरीके से यहाँ पकने के लिए, और यहाँ पे हमने फ्राई पैन चढ़ा दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। इसको थोड़ा सा गर्म होने देती हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें हमारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे। यहाँ मैं बादाम डाली हूँ, पिस्ता, काजू, और यहाँ डालेंगे हम मगज और थोड़ी सी चारोली। अभी यहाँ पे अगर आप लोगों को ड्राई फ्रूट नहीं यूज करना है तो आप ये जो मैंने कोकोनट कट करके रखी हूँ, कोकोनट ले सकते हैं, मगज ले सकते हैं, और थोड़े से ड्राई फ्रूट उसमें कट करके डाल देना। बस जरूरी नहीं है इतना ढेर सारा या कम, जितना भी आपकी ज़रूरत है उतना आप डाल सकते हैं, आपका शिरकुरमा रेडी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ड्राई फ्रूट को एकदम काला नहीं करना है, हल्की सी खुशबू आ जाएगी तो हमको निकाल देंगे। और मैंने खोपरा एकदम लास्ट में इसलिए डाली हूँ क्योंकि खोपरा सबसे पहले जलता है, और ऐसा खोपरा किस किस को पसंद है जल्दी जल्दी कमेंट्स करना, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं सेवई में ऐसे बड़े बड़े खोपरे। तो यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से पक चुके हैं, मैं यहाँ पर इसको निकाल दूंगी एक बर्तन में।
तो ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई करके मैंने यहाँ पर निकाल ली हूँ। अब यहाँ पर घी में हम ऐड करेंगे सेवई। तो यहाँ मैंने पौना वाटी सेवई ली हूँ तोड़ के, ठीक है। इसमें पेपर भी आ गया। अब क्या करेंगे, हम गैस स्लो कर देंगे और इसको अच्छे से थोड़ा सा खुशबू आए तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखो, सेवई फ्राई करने का एक ही मकसद होता है कि हमारे सेवइयों में खुशबू आ जाए घी की और अच्छे से टेस्ट बढ़ जाए घी से। बाकी तो कभी कभी तो मैं बिना भुने के भी सेवइयों ऐसा ही डाल के शुरकुरमा बना लेती हूँ, बन जाता है। जरूरी नहीं ऐसा घी में फ्राई करना, लेकिन कहता है ना, घी का अगर आपको फ्लेवर अच्छा टेस्ट चाहिए तो इसमें फ्राई कर लेना, ठीक है ना। तो मैं इसको हल्का सा कलर चेंज करे तक थोड़ा सा भून लेती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से सेवइयों को मैंने थोड़ा कलर चेंज हुए तक भून ली हूँ। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट और थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। अब ये सेवई और ये दूध, नहीं सेवई और ड्राई फ्रूट, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे दूध में, जो कि दूध हमारा यहाँ पे स्लो गैस पे पक रहा है। जब से यहाँ पे हमको घंटों दूध उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा दूध क्रीमी क्रीमी गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। अब मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए इसको पकने छोड़ूंगी ताकि थोड़ी सी सेवइयाँ हमारी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट तक पका ली हूँ। यहाँ सेवइयाँ हमारी अच्छे से पक गई है और हमारा शिरकुरमा रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं गैस करूँगी बंद। देख रहे आप लोग कितना क्रीमी क्रीमी मेरा शिरकुरमा तैयार हुआ है ना। सिर्फ 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का कमाल है, 2 चम्मच भर के मिल्क पाउडर और इलायची पाउडर, ये तीनों चीज़ को मिक्स करके आराम से डाल देना। घंटों का मेहनत बच जाएगा जो गैस पे आपको दूध खड़े रह के उबालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे शिरकुरमा रेडी हो गया है। तो दोस्तों, तैयार हो गया अपना ईद स्पेशल शिरकुरमा। सस्ता वाला बोल के मैंने इसमें काजू बादाम भरी दिए, काजू बादाम भर भर दी, लेकिन मैंने ऑप्शन दी हूँ। हाँ, ऑप्शन के साथ बनाई, खोपरा डाल के। हाँ, पहले बनता था ईद में ऐसा खोपरा डाल के शिरकुरमा। हाँ, अभी तो हमें काजू बादाम चारू ये सब भी ज्यादा डालते है, तो क्योंकि मैं खुद बनाती थी मगज और खोपरे के साथ शिरकुरमा। हाँ, आप ड्राई फ्रूट वगैरह ज्यादा ज्यादा डालती हूँ है करके डालते हैं। जिसके पास नहीं है कोई ऑप्शन नहीं है, दूध शक्कर सेवई मगज सूखा खोपरा डाल दिए, शिरकुरमा तैयार हो गया। हाँ, है क्या नहीं। शिरकुरमा बहुत तरीके से बनता है, ऐसा नहीं है जितना शक्कर डालेंगे उतना मीठा होता है, वही कहावत है बस। हाँ, लेकिन ये डिश की खासियत ये है कि इसको ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने नई चीज ट्राई की है, मिल्क क्या कस्टर्ड पाउडर, कस्टर्ड पाउडर डाले शिरकुरमे में। हाँ, तो भाई आप लोग भी ये जरूर ट्राई करना। हाँ, फ्लेवर नहीं आएगा कस्टर्ड पाउडर का इसमें, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने 1 लीटर दूध के अंदर इतने सेवइयों के अंदर सिर्फ 1 चम्मच ऐड करी हूँ और उसके साथ मैंने 2 बड़े-बड़े चम्मच भर के मिल्क पाउडर ऐड कर दी, तो उसका फ्लेवर बिल्कुल नहीं आएगा। ये नहीं सोचना कि अरे कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे तो शिरकुरमे का टेस्ट चेंज हो जाएगा या कुछ फ्लेवर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। घंटों जो खड़े रह के दूध उबालते हैं हिला हिला के, उससे बच जाएंगे, झटपट दूध उबल भी जाएगा और क्रीमी क्रीमी टेक्सचर भी आ जाएगा उसमें और गाढ़ापन आ जाएगा। तो भाई कैसा लगा ये शिरकुरमे की रेसिपी, झटपट वाली? हाँ, झटपट वाली, कम फटाफट बन गई। और दूसरी बात, ये अपना शिरकुरमे की क्वांटिटी कम भी नहीं हुई है, अभी दूध पकाते हैं। हाँ, तो कम भी हो जाता है, तो आधा लीटर को पकाते 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 वो 1.25 लीटर हो जाता है। हाँ, और 1 लीटर को पकाते पकाते वो 0.5 लीटर हो जाता है। हाँ, इस तरीके से शिरकुरमा फिर गाढ़ा होता है ना। तो अभी ये ना कम हुआ है, क्वांटिटी इसकी कम नहीं हुई है, एनर्जी को पूर जाएगी। 2 लीटर में बनाना है तो 2 लीटर पूरा रहेगा, 1 लीटर में बनाना है तो 1 लीटर भी पूरा रहेगा, ये मतलब। तो भाई आप लोग भी इस रमजान में हो सके तो ये रेसिपी ट्राई करना, या फिर रमजान से पहले भी कर सकते हैं, करने वाली इफ्तार में भी बनाते हैं। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो। जो हमारे चैनल पे नया है, जिन्होंने अभी देखिए सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वीडियो देख के आगे मत जाना, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।